और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय की। आपको बता दें कि नागौर से खबर है जहां गैंगस्टर संदीप सेठी शूट आउट मामले में अपडेट अब सामने आया है। नाकाबंदी में पकड़ी गई है हरियाणा नंबर की गाड़ी। साथ ही आपको बता दें कि यहां कार सवार संदिग्ध युवकों से पूछताछ में भी पुलिस जुट गई है। नागौर से खबर जहां गैंगस्टर संदीप सेठी शूटआउट मामले में ये अपडेट सामने आया है। नाकाबंदी में पकड़ी गई है हरियाणा नंबर की गाड़ी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं नागौर से, जहां गैंगस्टर संदीप सेठी शूटआउट मामले में अपडेट सामने आया है। हरियाणा नंबर की गाड़ी को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि नाकाबंदी की गई, जिसके बाद इस नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की गाड़ी पकड़ी गई है। हालांकि पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। आगे की जांच में पुलिस जुट गई है, छानबीन कर रही है, पूछताछ हो रही है। हालांकि तो बड़ी खबर, जहाँ अब पुलिस को कई सुराग मिलते नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता सुशील। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पर गैंगस्टर संदीप, ये जो मामला है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब हरियाणा नंबर की जो गाड़ी है उसको पकड़ लिया है पुलिस ने, क्या कुछ अहम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे? जी, इस तरह की इनपुट अब तक निकल कर सामने आए हैं कि नाकेबंदी के दौरान जो है वो राजसमंद इलाके के आसपास जो है वो पुलिस ने कुछ संदिग्धों को जो है वो हिरासत में लिया, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो वो पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो है वो नागौर के अंदर तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो अपना कैंप कर रहे हैं, इसके साथ ही इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इसके साथ ही जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज के अंदर पांचों बदमाश जो नजर आए थे, उनके हुलिये के आधार पर जो है वो पुलिस उनकी पहचान करने की प्रयास कर रही है। इसके साथ ही पंजाब व हरियाणा पुलिस से भी लगातार नागौर की पुलिस संपर्क में, इसके साथ इनपुट पता करने का प्रयास किया जा रहा है, इन लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इनकी गिरफ्तारी की जा सके। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये अहम सुराग मिला है, साथ ही साथ पूछताछ भी हो रही है, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पर? जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस का साफ तौर पर इसमें कहना है कि कुछ अहम सुराग जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस जो है वो गुप्त जगह पर पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है वो धीरे धीरे इस जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही पुलिस ये उम्मीद लगा रही है कि जल्दी जो भी इस पूरी हत्याकांड के अंदर आरोपी थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो युवक नजर आए थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी, आपसे ये इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नागौर से खबर, जो गैंगस्टर संदीप सेठी शूटआउट मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा नंबर की जो गाड़ी है उसको जब्त कर लिया गया है, नाकाबंदी के दौरान इस गाड़ी को जब्त किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जो है पुलिस अब जांच में जुट गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।